इस विशेष कार्यक्रम में आपका दादा स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की क्राइसिस के ऊपर, किस तरीके से एकाएक बांग्लादेश में ये संकट उभरा है। हमारे साथ गौतम लहरी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनकी पौनी नज़र बांग्लादेश में रही है और बांग्लादेश के राजनीति को बहुत ही करीब से समझते और जानते हैं। गौतम दा, पूरे क्राइसिस को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? आखिर एकाएक ये क्राइसिस किस तरीके से उभरा है बांग्लादेश में? धन्यवाद अनिल जी। पहली बात तो यह है कि मैं देखता हूं इसके कि 7 जनवरी जब बांग्लादेश में चुनाव हो गया था, जिस चुनाव विवादित रहा है, जिसमें सारे अपोजिशन पार्टी वायकट करके रखा था, जो भी कारण है वो अलग चर्चा का विषय है, लेकिन वायकट होने के बाद जो रिजल्ट नतीजा भी आया, उसको अपोजिशन खासतौर पर बीएनपी ये मानते थे कि ये इललेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट सही ढंग से जीता नहीं है, इसलिए लेकिन इतना वो कोशिश कर रहा है कि कोई मुद्दा ढूंढने का कोशिश कर रहे थे कैसे हसीना सरकार को उसको नजर उसको जिसको कहा जाता है कि कैसे कॉर्नर किया जाए। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि जियो स्ट्रेटेजिकल जो रीजन है, इस रीजन में जो 71 में जो एक्सिस हमने देखा था, अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान, खासतौर पर अमेरिका पाकिस्तान, तो ये लोग भी तो बांग्लादेश का जो नाराजी है, दूसरी साथ भारत के साथ जो करीबी नजदीकी रिलेशन बन रहा है, इसके लिए इनका ऊपर एक शंका था। लेकिन शेख हसीना सरकार के ऊपर ये आरोप लगा था कि ये लोकतंत्र को बहाल नहीं कर रहा है, साथ साथ जो विरोधी दल का जो स्पेस देना चाहिए था वो स्पेस नहीं दे रहा था, साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस, सब कुल मिला के एक सिचुएशन बन गया था जिसके लिए कभी भी वो विस्फोट हो सकता था, लेकिन विस्फोट होने का एक मौका मिल गया कि जब से 2018 में आपको याद होगा जब हसीना सरकार ने सारे कोटा संरक्षण को रद्द कर दिया था, इस कारण कि लोगों का नाराजगी तब था, तब तो कोटा संरक्षण कम था, लेकिन फिर भी उन्होंने गुस्से में पार्लियामेंट में बोला अच्छा आप लोगों को नाराजगी आया था हम इसको रद्द कर देते हैं, लेकिन रद्द के खिलाफ लोग कोर्ट में आए थे, सुप्रीम कोर्ट में आए थे, इसके बाद एक माहौल भी बन रहा था, तो लग रहा था कि जनता स्टूडेंट की 56% जो कोटा जो बन गया था वो मेरिट पे नहीं है, लेकिन 18 का पहले जो था कोटा उसमें जो लिबरेशन वॉरियर का जो बेटा बेटी उसका जो परिवार उसको मिलते थे, लेकिन इसके बाद से आ गया पोता पोती, लिबरेशन तो हो चुका 71 में, इसके तो उम्र भी हो गया, इनको क्यों मिलना चाहिए कोटा। इसके और इसके कोटा का देखिए भ्रष्टाचार के भी आरोप था कि एक जो लिबरेशन स्ट्रगल का फैमिली का मेंबर नहीं है उसको भी फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी मिल रहा है, तो ये नाराजी था जो मेरिट में जो पढ़ाई कर रहा है, जो पास कर रहा है उसको नहीं मिल रहा था, और खासतौर पर बांग्लादेश का विकास तो बहुत हुआ है लेकिन विकास के साथ एक जॉबलेस ग्रोथ भी था, दादा ये नाराजी क्या मौलिक रूप से दादा इस बात की पुष्टि की जाए कि विद्रोह के पीछे आरक्षण और विद्यार्थियों की समस्याएं हैं, जो ये मिलिट्री विद्रोह हुआ है मौलिक रूप से किन कारणों को उत्तरदायी माना जाना चाहिए, वो कौन से कारण है? सही बात, जो विद्रोह हुआ था वो आपको मानना पड़ेगा कि वो थोड़ा अरब स्प्रिंग टाइप विद्रोह बना, ठीक है, जैसे आपने बाकी जगह पे भी ऐसे विद्रोह देखा कि जो लोगों ने नाराजगी जताया है, लेकिन जो छात्र का हाथ में जो मूवमेंट था, बांग्लादेश का आजादी हुआ छात्र मूवमेंट से शुरुआत हुई 1952 स्टूडेंट मूवमेंट था ढाका यूनिवर्सिटी, लेकिन बंगबंधु का जो डॉटर है उन्होंने तो इसको सोचना चाहिए था कि स्टूडेंट साइकोलॉजी को अगर आप नहीं सोचेंगे तो एक दिक्कत पैदा हो सकती, लेकिन इसी स्टूडेंट के बहाने में जो हसीना को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करना चाहते थे वो मैदान में आ गया था, खासतौर पर बीएनपी और पाकिस्तान आईएसआई की मदद से जमाए। आज जो आप सड़क पे देख रहे हैं, जिस तरह का धूम मचा रहा है, जिस तरह का वायलेंस हो रहा है, माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हो रहा है, बढ़ रहा है, ये जो बंगबंधु का स्टैचू को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो है वो स्टैचू में विश्वास, मूर्ति में विश्वास नहीं करते, पहले भी बांग्लादेश में मूर्ति लेके हंगामा हुआ था, लेकिन ये जो ये बांग्लादेश का स्टूडेंट नहीं चाहते,
लेकिन स्टूडेंट चाहते थे कि अपना जो जो रेगुलर जो डिमांड है उसको फुलफिल, वो तो फुलफिल हो रहा था 21 जुलाई के बाद, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद कोटा तो रद्द हो गया, सिर्फ 93% ऑन मेरिट हो गया। इसके लिए तो नाराजी नहीं होना चाहिए था, फिर भी देखा कि ये मूवमेंट को कन्वर्ट किया गया कि शेख हसीना का रेजिग्नेशन बोला गया कि अभी एक ही मुद्दा है, शेख हसीना रिजाइन करे। इसके बाद ये हंगामा बढ़ते शुरू हुआ, लेकिन डेफिनेटली मेरा तो कहना है, आपको साक्षात मैं जोड़ूंगा, 22 अमेरिकन कांग्रेस सेनेटर ने चिट्ठी लिखा था एंटोनी ब्लिंकन को, तब तक हसीना थे सत्ता में, बोला ये जो सरकार है इस सरकार को आप हटाइए और दूसरा जो लोकतंत्र बहाल कीजिए। तो खुले आम जो आ चुका था वाशिंगटन का, जो स्टेट डिपार्टमेंट का रोल, साथ में तो पाकिस्तान तो लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ चाइना का रोल भी दरकिनार नहीं कर जा सकते। लेकिन ये मौका नहीं मिलता अगर शेख हसीना, जैसे शेख हसीना अगर सही रूप से इसको हैंडल करते, इसको समझ सकते, क्योंकि पावर का एक होता है, एक एरोगेंस होता है, एक माने जनता के साथ आवामी लीग इतना दिन पावर में है, इनका जो स्टूडेंट विंग है ये भी जो अपना छात्र से अलग हो रहा है, एलिनिएट हो रहा था, जनता के साथ संपर्क कम हो रहा था, और दादा एक और भ्रष्टाचार बात, एक बहुत बड़ा मुद्दा। जी ये बात अभी तक हम कर चुके कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, आगे की हम बात करते हैं। जो आगे अंतरिम सरकार बनने वाली है, उस सरकार में जो अभी विपक्ष में लोग थे, क्या उनके उनकी भूमिका दिख रही है? क्या वो सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करेंगे? क्या मिलिट्री उनको इनवाइट कर रही है? देखिए मुश्किल तो ये है कि मिलिट्री ने कहा, वहां का राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि हम एक अंतर्वर्ती एक अंतरिम सरकार देंगे। वो अंतरिम सरकार जो जिसको केयर टेकर सरकार कहा जाता है, जो पहले भी 2007 में हुआ था, लेकिन ये केयर टेकर का जो चीफ एडवाइजर होते हैं उसको ही आप मान रहे हैं कि सीईओ, वही प्रधानमंत्री है, लेकिन वो सीईओ कौन बनेगा इसके लिए अभी भी फैसला नहीं हुआ है। इसके लिए स्टूडेंट छात्र लोग चाहते हैं नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस को, जिसके पीछे अमेरिका का मदद है, अमेरिका चाहते हैं। लेकिन नोबेल लॉरिएट यूनुस के बारे में आरबी का जो वर्तमान चीफ है, जो शेख हसीना का करीबी माना जाता है, वो कितना इसको एक्सेप्ट करेगा, इसको देखना पड़ेगा। तो ये एक तालमेल, इसलिए एक अभी तक एक वैकुअम चल रहा है। इसका होने के बाद अगर मान लिया कि हो गया अंतरिम सरकार, ये सरकार इसके बाद कहा गया 3 महीने से 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव करेंगे, इसलिए आज पार्लियामेंट को रद्द कर दिया गया, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ने रद्द कर दिया। तो नया जो चुनाव होगा उस चुनाव में जो जीतेंगे, लगता है अभी देश का जो मूड है, हालत है, उसमें बीएनपी शायद पार्टिसिपेट करेंगे, आवामी लीग का शेख हसीना का बेटा ने ऐलान किया शायद आवामी लीग चुनाव में आएंगे, तो इसके लिए देखना पड़ेगा तब क्या होगा। मुझे अभी जो मूड है एंटी हसीना एंटी आवामी लीग जो मूड है, इसके कारण आराम से बीएनपी जीत सकता है, वो चुनाव का इंतजार करेंगे, लेकिन उसमें लोकतंत्र बहाल होगा कि नहीं इसके लिए बहुत सारे सवाल और निशान है। दूसरी समस्या जो एक पैदा हुआ है भारत के सामने, वह शेख हसीना का फ्यूचर क्या होगा, क्या करेंगे, तो भारत में आ चुके उसको शेख हसीना का तरफ से, वहां का आर्मी का तरफ से रिक्वेस्ट आया है कि शेख हसीना भारत में जाना चाहते हैं, इसलिए भारत उसको न्यौता नहीं दिया, इसलिए भारत में आए, अभी भारत में है क्योंकि उसको बाकी दूसरा जगह शरण लेने का कोई इजाजत नहीं मिली। अमेरिका आज तो सुना है कि उसका वीसा भी रद्द कर दिया ताकि वो अमेरिका भी जा नहीं सकते हैं, उनका बेटा वहां पे रहते थे। अभी लंदन में यूके गवर्नमेंट का वहां देखिए इमिग्रेशन लेके बहुत हंगामा हो रहा है, इस टाइम किसी शरणार्थी को आश्रय देना, शरण देना, उन्होंने कोई लीगल तर्क बताया है किस तरह से अपील करना है, वो भी बड़ा डिस्टेंट लग रहा है। अभी भारत अपना जो दोस्त है उसी से कोई जगह ढूंढने का बाहर में कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात सही है, ज्यादा दिन भारत में रहने से वहां पे एंटी इंडिया फीलिंग्स भी बहुत ज्यादा पड़ेगा, जो भारत के लिए नुकसान होगा, लेकिन भारत को एक दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए भारत को संपर्क बांग्लादेश के साथ रहने रखना चाहिए, किसी व्यक्ति के साथ, मैं कहता हूँ भारत का संपर्क यहाँ पे तो दलाई लामा बहुत दिन से, ये कि दादा चीन के साथ हम एक लेते हैं। बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। ये हमारा भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत मधुर थे, इनफैक्ट साउथ एशिया में अगर भारत का संबंध किसी से बेहतर है तो बांग्लादेश सही था।
तो क्या इस कू के बाद, इस मिलिट्री विद्रोह के बाद भारत के साथ इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या भारत के रिश्ते किधर जाएंगे बांग्लादेश के साथ? वर्तमान जो दिल्ली का सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए दिक्कत है कि वहां पे हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बढ़ रहा है। हिंदू सचमुच खतरे में है भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहते भी। दूसरी बात है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट जिसका कनेक्टिविटी हुआ था वो खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए भारत के लिए बहुत ही चैलेंज है अगले दिन में, इसमें सरकार किस तरह से बनता है, कैसे बनता है। बहुत दिन तक मुझे लग रहा है कि भारत का जो स्टेबिलिटी रहा था बॉर्डर में वो स्टेबिलिटी खतरा में आ सकते है। भारत के ऊपर डिपेंड करते है कैसे वो बांग्लादेश का नया सरकार। दादा इस प्रोग्राम में आप आए, आपका हार्दिक धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।